दुनिया के 5 देशों में नहीं रहता है एक भी इंडियन सिटीजन। केवल 195 देशों में बसे हैं भारतीय नागरिक। जानिए कौन से हैं ऐसे 5 देश जहां एक भी भारतीय नहीं रहता है। भारत दुनिया में आबादी के हिसाब से चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। 2021 के सर्वे के मुताबिक इंडियन की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। वहीं भारतीय नागरिक दुनिया में 195 देशों में रहते हैं। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय विदेशों में रहते हैं। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां एक भी भारतीय नागरिक नहीं रहता है। आइए अब आपको बताते हैं ऐसे कौन से हैं 5 देश जहां एक भी इंडियन सिटीजन नहीं रहता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। यहां पर 44 लाख से ज्यादा इंडियन रहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में एक भी इंडियन नहीं रहता है। वहीं बात सैन मारिनो की करें तो ये भी एक ऐसा देश है जहां एक भी इंडियन नागरिक नहीं रहता है। इस देश की आबादी 3.33 लाख है। वहीं तुवालु आइलैंड, जिसे एलिस आइलैंड भी कहा जाता है, यहां पर आज तक एक भी भारतीय नागरिक रहने के लिए नहीं आया है। बता दें, देश प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक भी इंडियन नहीं रहता है। वहीं यूरोपियन देश बुल्गारिया की बात करें तो यहां भी कोई भी भारतीय नागरिक रहने के लिए नहीं गया है। हालांकि कुछ संख्या में भारतीय डिप्लोमेट्स यहां कार्य करते हैं। अब आप इसके पीछे का कारण समझिए कि क्यों इन 5 देशों में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं रहता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इन देशों में एक भी भारतीय नागरिक क्यों नहीं रहता, तो इसके पीछे का कोई विशेष कारण नहीं है। वहीं भारत से दूसरे देश में बसने के लिए भारतीय नागरिक इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें वहां बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही वेटिकन सिटी, बुल्गारिया और सैन मारिनो जैसे देश बहुत छोटे हैं, जहां पर अन्य देशों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो भारत के इस देश के साथ कई तनावपूर्ण रिश्ते हैं, इसलिए यहां पर कोई भारतीय बसने नहीं जाता है।